ई रेवेन्ना एमनेस्टी योजना की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक है। इस समयावधि में जुर्माना राशि जमा करवाने पर वाहन स्वामियों को भारी छूट का लाभ मिलेगा। जिला परिवहन अधिकारी डॉक्टर मक्खनलाल जांगिड़ ने बताया कि परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा 10 फरवरी को जारी अधिसूचना के अनुसार एमनेस्टी योजना के तहत ई रवन्ना चालानों की जुर्माना राशि जमा करने पर 75% से 95% तक छूट है। इसलिए वाहन स्वामी इस छूट का लाभ लेकर ई रवन्ना चालनों का निस्तारण मामूली राशि में करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि एमनेस्टी योजना की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। ई रवन्ना चालानों की प्रमोशन राशि जमा करवाकर अपने ई रवन्ना चालानों का निस्तारण नहीं करवाने वाले वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में 100 वाहन स्वामियों को इसके बारे में नोटिस जारी किए गए थे। उनके द्वारा 3 दिवस में प्रशमन राशि जमा नहीं करवाने की स्थिति में उनके पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त की कार्यवाही की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी। राज्य सरकार द्वारा फरवरी 2023 में एमनेस्टी योजना घोषित की गई थी, जिसके तहत ई रवन्ना चालानों पर भारी छूट दी गई थी। वर्तमान में लगातार 6-7 महीने की मशक्कत के बाद भी बहुत ही कम वाहनों द्वारा ई एमनेस्टी योजना का लाभ उठाकर और अपने ई रवन्ना चालानों का निस्तारण करवाया गया है। हमने 100 वाहनों को अभी प्रारंभिक तौर पर नोटिस जारी किया था, जिसमें उनको स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि आपके द्वारा नियमित रूप से ओवरलोडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से ई रवन्ना जनरेट हो रहे हैं। आपको इस बाबत हमने पहले भी सूचित किया था अखबार के माध्यम से। अब आप अपने इन ई रवन्ना चालों का निपटारा करवाएं और अपने वाहन का इस कार्यालय में उसको उपस्थित करके उसका निरीक्षण करवाएं, क्योंकि यह अंदेशा है कि आपका वाहन जो नियमित रूप से ओवरलोड परिवहन कर रहा है, इसका मतलब आपने वाहन में कोई अल्ट्रेशन करके और वाहन की कैपेसिटी को बढ़ाया है। इस बाबत 100 वाहनों को प्रारंभिक तौर पर नोटिस जारी किया जा चुका है। उनको 7 दिन का टाइम दिया था, लेकिन आज दिनांक तक वाहन स्वामी द्वारा अपना वाहन निरीक्षण के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही ई रवन्ना चालानों का निपटारा करवाया गया है। इसलिए मैं अब आपके माध्यम से उन सभी 100 वाहन स्वामियों को ये अपील करता हूँ कि वो 3 दिवस में अपना वाहन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि उसका निरीक्षण किया जा सके और अपने ई रवन्ना चालान का निस्तारण करवाएं। अन्यथा स्थिति में 3 दिवस के पश्चात उनके वाहनों का पंजीयन अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया जाएगा, जो कि वाहन यहां पर प्रस्तुत करने पर, उसका निरीक्षण करने पर यदि वो सही पाया जाता है, तभी उस निलंबन को वापस लिया जा सकेगा। इसके लिए वाहन स्वयं उत्तरदायी होंगे।